बार खाना खाना, बहुत बार मजे के लिए और बहुत बार मजबूरी में घर से बाहर खाना खाना ही पड़ता है। फिर चाहे आप भोजन के शौकीन हो या फिर फैमिली को छुट्टियों में कुछ स्वाद चेंज करने के लिए बाहर ले जा रहे हो, या फिर शादी का सीजन हो और बाहर खाने की मजबूरी ही हो, बाहर खाना खाने में मजा तो आता ही है, साथ ही साथ कभी कभी वो पेट के लिए सजा भी बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेद के वो चार नुस्खे जिसके साथ आप बाहर खाना भी खा सकते हैं और स्वास्थ्य का मजा भी ले सकते हैं। नंबर एक, आप कभी भी बाहर खाना खाने जाए, चाहे वो होटल हो या शादी का फंक्शन, अदरक और सेंधा नमक इसका प्रयोग जरूर करें। क्यों? आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले अगर आप थोड़ा सा अदरक और सेंधा नमक को चबा चबा कर खाते हैं तो इससे आपकी पाचन अग्नि बहुत अच्छे से हजम होती है। पहले का खाया हुआ खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है, पाचक रस बहुत तेजी से बनते हैं जिससे कि भूख बहुत खुल के लगती है। तो हैवी खाना खाने के लिए पेट अपने आप को तैयार कर लेगा, इसलिए खाना खाने के आधे घंटे पहले थोड़ा सा अदरक और एक चुटकी सेंधा नमक जरूर मिलाकर खाएं। टिप नंबर दो, खाने की शुरुआत हमेशा मीठे से करें। बहुत से लोगों की ऐसी आदत है कि खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं, पर आयुर्वेद में कहा गया है कि सभी मीठे पदार्थ पचने में बहुत हैवी होते हैं, इसलिए उन्हें खाना खाने के पहले खाना चाहिए जिससे कि जब जठर अग्नि तेज और ताकतवर हो उस समय इन चीजों को पचा सके। खाने की शुरुआत अगर आप मीठे से करेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, खाना खाने में मजा आएगा और आपका पाचन तंत्र भी बहुत अच्छे रहेगा। पर यही मीठा अगर आप खाना खाने के बाद खाएंगे तो उससे मोटापा, आलस और ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं। तो दिल को जब खुशी हो जाए तो कुछ मीठा खाने के पहले हो जाए। आयुर्वेद की तीसरी टिप बाहर खाना खाने वालों के लिए। आयुर्वेद में भोजन करने की एक विशेष पद्धति कही है, उसमें कहा गया है कि आपको जितनी भी भूख हो उसका 50% हमेशा सॉलिड खाइए, जैसे कि चावल, रोटी, सब्जियां, फल और सलाद। बाकी बची 25% भूख के लिए लिक्विड का प्रयोग कीजिए, जैसे कि छाछ, रसेदार सब्जियां, दाल, सूप, इन चीजों का, और 25% पेट को खाली रख दीजिए। क्यों? हवा के लिए जगह होगी तभी तो भोजन पचेगा। तो आयुर्वेद की अगर इस टेक्निक का आप पालन करते हैं तो आप ओवर ईटिंग से बचेंगे, आपका पाचन अच्छे से होगा, आप खाने का मजा और आपका स्वास्थ्य दोनों मेंटेन कर पाएंगे। और चौथी टिप, खाना खाने के बाद बहुत बार वेटर आपको गर्म पानी लाकर देता है हाथ धोने के लिए, तो उसी वेटर को बोलिए कि एक ग्लास गर्म पानी और लेकर आए आपके पीने के लिए, गर्म पानी खाने के बाद। जी हाँ, आयुर्वेद में कहा है कि जब आप भारी पदार्थ खाते हैं जैसे कि पूड़ी, पराठे, पनीर की सब्जी, जब भी आप ऐसा भारी भरकम खाएं और आपका पेट बोले अबे बच्चे की जान लेगा क्या, तो उससे बचने के लिए आपको गर्म पानी पीना चाहिए। हमारे भोजन में ज्यादातर तेल या घी वाले पदार्थ होते हैं, भोजन के बाद गर्म पानी पीने से तेल और घी की वस्तुएं आसानी से हजम होती है। अगर आपने ज्यादा खाना खाया भी है तो गर्म पानी पीने से वो ज्यादा अच्छे से हजम होगा। तो भोजन के बाद गर्म पानी से हाथ तो धोना ही है, पर गर्म पानी जरूर पीना है, इसका ध्यान जरूर रखें। खाने के बाद 2 से 4 घूंट गर्म पानी आपके पाचन तंत्र को मक्खन जैसा स्मूथ कर देगा। तो खाने के बाद या तो गर्म पानी पीजिए, या बहुत से लोगों को सूप पीने की आदत होती है, तो जो भी आपको सूप पीना है वो खाना खाने के बाद पीजिए, ना कि खाने के पहले, जिससे कि आपका हाजमा और आपका स्वास्थ्य दोनों अच्छे से बना रहे। अगली बार जब भी बाहर खाना खाने जाएं, चाहे वो शादी हो या होटल, आयुर्वेद की 4 आसान टिप्स का पालन जरूर करें जिससे कि आप और आपका पेट दोनों मजे से रह सके। ऐसी ही आयुर्वेद से जुड़ी कमाल की जानकारियों के लिए YouTube पर हमारे चैनल ओज आयुर्वेद को सब्सक्राइब जरूर करें, और नई नई जानकारियों के लिए बेल आइकॉन मतलब घंटी उसे बजाना न भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।